गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू डे टू। आज हम लोगों का प्लान है नासिक, जो हम कल पहुंचे। इसे निकल कर हम लोग जाएंगे अभी त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, जो एक और ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, और वहां दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे औरंगाबाद। बट ऑन द वे हम लोग शिरडी साई बाबा भी विजिट करेंगे, और वो विजिट करके देन वील हेड टूवर्ड्स औरंगाबाद, और औरंगाबाद में आज नाइट स्टे करेंगे। एंड देखते हैं हाउ द डे गोज एंड हाउ इट ऑल पैन्स आउट। अभी के लिए हम होटल पे हैं, होटल से चेकआउट करेंगे थोड़ी देर में। बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकफास्ट हो गया है, सो नाउ एवरीथिंग इज गोना बी ऑन द गो। मजा आ रहा है आपको? यस यस, वी आर हैप्पी। नाइस ब्रेकफास्ट, सम्पचुअस ब्रेकफास्ट, सो लंच इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड देन वी विल बी विजिटिंग द टेम्पल, टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड एंड देन मूव फॉरवर्ड। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। यस यस, ओके। हम लोग रुके थे इस होटल में जिसका नाम है होटल पंचवटी यात्री। इसमें हमने इनके नॉर्मल रूम के पे करे 2600 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, और विदाउट ब्रेकफास्ट अगर आप लेते तो 2300 पड़ता। बहुत ही एवरेज होटल है, खाना अच्छा है बट स्टाफ बहुत ही रूड है, ठीक से जवाब नहीं देते हैं, कोई भी चीज़ इनके पास अवेलेबल नहीं होती हैं। पहला जवाब इन लोगों का सिर्फ ना और ना से शुरू होता है। तो आने से पहले ध्यान दे दें, गूगल पे इसकी रेटिंग 4 है, बट दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस हैज बीन। चल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर की तरफ। नासिक सिटी, चौड़ी चौड़ी रोड है बट जाम यहाँ पे भी लगते हैं। 27 किलोमीटर 42 मिनट्स, डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर फ्रॉम नासिक टू त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नियरिंग द टेम्पल, और यार लैंडस्केप बहुत प्यारा है, सामने के पहाड़ वहाड़ यहाँ पे जो है पहुंच तो गए। पहुंचने के बाद हमें मेन जो एंट्रेंस है वहां से बोला गया राइट जाने के लिए, राइट गए। राइट जाके पार्किंग स्पॉट पहुंचे, पार्किंग स्पॉट पे हमको ये भाई साहब एक गाइड वाले मिले जो आगे चल रहे हैं। इन्होंने बोला 200 रुपए दो, मैं आपकी गाड़ी एकदम टेंपल के सामने लगवाता हूँ, और वहां से आपको एकदम सीधा टेंपल की डायरेक्ट एंट्री रहेगी, और वहीं से आप गाड़ी लेके डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अभी उसी को फॉलो करते करते जा रहे हैं, अभी गोल गोल घुमा रहा है, पता नहीं कहां से लेके जाएगा। लेकिन आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है आदर्शक पार्किंग, अभी देखो किधर लेके जाता है, क्या करता है। टेम्पल दिख तो रहा नहीं रहा है बट जा रहे हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस है अपने आप में। ऑफ सीजन में फायदा तो है कि भीड़ कम होती है, लेकिन पूरा काम चालू रहता है रेनोवेशन का, क्योंकि दे प्रिपेयर फॉर द सीजन। अभी शिवरात्रि सर पे है, उस समय भीड़ लगेगी यहाँ पे जोरदार। चप्पल उतरवा दी हमारी वहीं पे, और चल के जा रहे हैं। ये ट्रस्ट है यहाँ का, मंदिर का ट्रस्ट। ये है हमारा त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। सूर्य भगवान की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ISO फिक्सिंग। टेम्पल बंद था कुछ 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, आधे घंटे कुछ आरती चल रही थी अंदर। तो आरती कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर हम लोग का अंदर दर्शन हो पाया। अभी गर्भाशय में जाने नहीं दे रहे ऐसा बोला गया है, बट पता नहीं, अलाउड टू चेक दैट। जिन पंडित ने हमारा कराया उन्होंने ये बोला अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन की फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर आके परिसर में वीडियो बना रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे, हम लोग वहाँ से निकले थे करीबन 10:30 बजे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे शिरडी साई बाबा, जो आई थिंक अबाउट 130 किलोमीटर्स का ड्राइव है। सी यू एट शिरडी। बहुत गंदा ट्रैफिक है भाई, जहर किए हुए जी। रोड भी बहुत अच्छी नहीं है, रोड्स हैं और उखड़ खाबड़ हैं, खड्डे वड्डे बने हुए रोड के ऊपर, काफ़ी गड़बड़ 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 जाती है। रंबल स्ट्रिप्स तो इन्होंने मतलब एकदम थोक के भाव से पूरे शहर में लगा रखा है, पूरा शहर रंबल स्ट्रिप से भरा पड़ा है, न्यू फैसिनेशन। आगे अभी टोल रोड स्टार्ट हो रही है, देखते हैं। चलिए गुज्जू भाई, क्या हो गया? निकेश कुमार सब नाम हम लिख दिए गाड़ी पे। ये टोल है जो अभी देना पड़ेगा मजबूरन, बट रोड एक नंबर की वाहियात रोड, मतलब सही में ऐसी रोडों का यार बिल्कुल भी कदापि मन नहीं करता एक रुपये टोल देने का। नितिन गडकरी साहब कुछ करिए। ये देखिए नीलकमल लिमिटेड, आपकी
सारी चेयरें इधर से ही बनती हैं, भले प्लास्टिक की हों, आजकल तो वर्क स्टेशन की भी चेयर बना रहे हैं लोग। अब जाके कोई ढंग का आया है हाईवे जैसा, अब मालूम नहीं कितना क्या लगेगा करने के लिए इसको। ये लग रहा, वाह, ज्यादा तारीफ करने से देखिए ये होता है गाइस, भारत सुदय वाला हाईवे जिसकी डिटेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी। अभी हम इसके नीचे से जा रहे हैं शिरडी, बाद में ये नागपुर और बॉम्बे को कवर करेगा 701 किलोमीटर, 6 लेन, कैन बी एक्सटेंडेड टू 8 लेन, सो फ्यूचर प्लानिंग की गई है, कूडोस टू दैट। और हम पहुंच गए हैं शिरडी टाउन। गन्ना अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, लिया के लिए खूब सारे खिलौने और यहाँ है खूब सारे होटल। 1.2 किलोमीटर में शिरडी साई का टेंपल है, वो देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स औरंगाबाद। गाइस यहां पर भी सेम सीन है, मंदिर तो पहुंच गए लेकिन मंदिर के पास पार्किंग का कोई बोर्ड दिखा नहीं है, लड़के खड़े रहते हैं बाहर, तो देखो दौड़ रहा है सामने, अभी लेके जा रहा है पार्किंग में लगवाएगा, बोलता है 50 रुपीज आई विल चार्ज यू फॉर द पार्किंग, और कूपन बोला है, एक कूपन दिया है, दिखा रहा हूं आपको कूपन, ये कूपन दिया है, ये कूपन बोला है कि इसमें लगवाएगा दुकान के पास अपनी गाड़ी, बोले दुकान कूपन से दुकान में से सामान खरीद लेना आप। तो अभी देखो गाड़ी लगाते हैं फिर चलते हैं आगे। ये दिख रहा है एंट्रेंस सामने का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे टू साई टेम्पल बोल से। तो गाइस साई बाबा के भी दर्शन हो गए हमारे, पापा यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। ओहो क्या धांधली मचा रखी है भाई, मेन रोड से मतलब जो आपको टो करना चालू करते हैं कि आइए आपकी पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, आपको फिर वहां से ले जाते हैं। अच्छा थोड़ा मैं गाड़ी चला लेता हूँ, आगे का आपको पूरा विवरण पापा देंगे। इनिशियली इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस बिकॉज द डाउट्स वेयर देयर, दे वेर ट्रबलिंग अस हेल ए लॉट। पार्क इट हियर बाय फोर्स, यू हैव टू बाय सम प्रसाद फॉर 300 to 500 rupees व्हिच कॉस्ट यू जस्ट नॉट मोर देन 100 rupees, एंड देन दे से यू देयर आफ्टर दे लीव यू, दे जस्ट टेल यू कि दिस इज द गेट, यू एंटर एंड देन यू गेट इनटू द लाइन। फाइनली वी डिड नॉट एग्री and I went there, I talked to a security guard and he says ki there is a provision of senior citizen, so I entered through senior citizen, I had my Air Force card, so that helped a lot. Senior citizen Ashish also, I took him along and they somehow permitted and we could have darshan as closest as possible, and that was the closest, and within 15-20 minutes we were out from the premises, collected the mobile, only the thing you have to deposit your mobile and you have to leave your footwear outside, that is all you have to do it. So this was one of the very good experience of the mandir, but nice darshan, God is kind. Guys finally hum us part of the highway pe chad rahe hain jo abhi open hai, toll booth ka laga hua hai scene, aur sabse fun baat ye hai aap dekhiye, 91 kilometers we'll cover in 1 hour 8 minutes, maybe little sooner than that. That's such a great thing to see, India mein dekh ke maza aa gaya. और ये देखिए नागपुर का और मुंबई का साइन बना हुआ है इसके अंदर यहाँ पर बोर्ड पे, तो ये जाते हैं इसका टोल देते हैं, देखते हैं कितना टोल है और उसके बाद फिर देन विल हेड टुवर्ड्स सी। लुक एट द हाईवे मैन, कम ऑन, नाइस, दिस सो ग्रेट, मैसिव, खाली है अभी पूरा, मैसिव। से आए थे और ये हाईवे देखिए, इस पे तो सही में फाइटर का एयरक्राफ्ट लैंड करा सकते हैं, जबरदस्त 100% फाइटर मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, इधर टारबाइक जैसा बनाया है, कूडोस टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी जी। 540 किलोमीटर है नागपुर इधर से, आई एम श्योर की अगर ऐसा रोड है और अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है रोड के ऊपर, I am 100% sure you can make it in 35 hours, and it's such a amazing feeling. और आज की गाड़ियों में 5 घंटे आप चलाओ गाड़ी तो बिल्कुल टायर्डनेस वाली फीलिंग नहीं आती है इसके अंदर,
दैट्स द बेड पर आदत खराब है अपने आप को देखने की, तो बार बार आंख उधर चली जाती है अनफॉर्चुनेटली, बट ट्राइंग टू लुक एट द फ्रंट कैमरा एंड व्लॉग। ट्रक वाले क्या डिसिप्लिन में चल रहे एकदम अपनी लेन पकड़ के, ये एक सपना ही हो सकता है भारत के अंदर। और क्या बड़े बड़े बोर्ड लगाए एकदम दुबई स्टाइल में, इसकी हाइट थोड़ी कम है, खड़े वाले ट्रक आएंगे भिड़ जाएंगे इससे 100%। बहुत ही बेहतरीन हाईवे, ये देखिए बोर्ड लगे हुए सारे यहाँ पर, मजा आ गया यार देख के, वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। एकदम गोली की तरह जा रही है, कभी देखे थोड़ी देर पहले गाड़ी देखी थी जाते हुए, ऐसा लग रहा है हवाई जहाज जाता है, आई थिंक इट वाज अ पोर्शे। अमेजिंग स्टफ। क्या बोलते हैं बाबा इस एनएच को? सेज एनएच 7521। अरे भाई साहब इतना लंबा चौड़ा एनएच, ये आदमी क्या कर रहा है यार इस रोड के ऊपर। और गाइस इसके ऊपर क्या बोलते हैं, बस ट्रक मिनी वैन कार, ये तीन चीजें अलाउड है। सॉरी मेरी कार की स्क्रीन थोड़ी गंदी है, आज साफ करेंगे। और बाकी आपके टू व्हीलर, ऑटो, बुलक कार्ट, साइकिल, ये कुछ भी अलाउड नहीं है। सो वेरी सैड फॉर द बाइकिंग कम्युनिटी, नहीं तो यहाँ पे उड़ा उड़ा के बाइक लेके जा सकते थे। बट एनीवेज, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं। आप देखो मेरी गाड़ी सेट है करीबन 110 पे ऑन एंड ऑफ, स्लोप पे थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, बट जो गूगल की GPS स्पीड है वो 101 दिखा रही है। अब आप लोग बताओ कौन सी वाली करेक्ट है, जो गाड़ी में 110 की स्पीड दिखा रही है वो, या जो गूगल में दिखा रही है वो? बिकॉज मेरे हिसाब से GPS स्पीड करेक्ट होनी चाहिए। ये रिवर था पीछे, एक सुवर्णा रिवर, अब देखो आपको दिखेगा शायद से, पता नहीं आया कि नहीं आया वीडियो में, बट मजा आ रहा है 120 की स्पीड लिमिट। हाँ नाइस, ट्रैक्टर खड़े हैं अगर किसी चीज से ड्रिलिंग करने के लिए। हमारी खुशी यहीं तक थी, हमारा एग्जिट आ गया है औरंगाबाद वाला, ये रहा एग्जिट 17 कॉल एलोरा। औरंगा के पास एलोरा है, ग्रिनेश्वर है, काफी कुछ है औरंगाबाद में। एक छोटा कालू डुप्लीकेट ताजमहल भी है, उसकी भी स्टोरी आपको बताएंगे और वो दिखाएंगे भी। तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, बस पहाड़ दिखा देता हूँ अपने भाई लोगों को, सबको क्या लंबा चौड़ा पहाड़ है। ये है बियर खुशी बियर शॉपी, और ये है खतरनाक वाली एकदम झगास रोड। और अब आ गए हैं हम घृणेश्वर टेम्पल, जो 12th ज्योतिर्लिंग जिसको बोला जाता है, जा रहे हैं। और रास्ता इतना खराब है कि 1.5 किलोमीटर ऐसे ही जाना पड़ेगा लगता है आज, एकदम खतरनाक रास्ते से। उफ। और सामने एकदम वेलकम करने के लिए एक बढ़िया सा मॉस्क। ये है हमारा यहाँ पर जो बना हुआ है घृणेश्वर टेम्पल, 12वां ज्योतिर्लिंग इसको बोलते हैं, तो इसके भी दर्शन हो गए। बाजू में और एक टेम्पल बना हुआ है परिसर में, और ये किसी की समाधि है, शिवाजी महाराज के आया या भाई कुछ तो बोला उसने मेरे को, उनकी समाधि बनी हुई है। एक बार पढ़ना पड़ेगा, देख के समझ में तो नहीं आया मेरे को बहुत ज़्यादा। और ये उधर से पूरा जाने का रास्ता है वहाँ से ऐसे ऊपर, और आप आगे जाके ये विजिट कर सकते हैं उसको। फाइनली घूम फिर के दर्शन करके हम लोग आ गए हैं, और एक जगह स्टे मिली हमको यहीं पे औरंगाबाद, हम जहाँ पर हैं वहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर है, तो मैं 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा चाहिए, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ से ऑनसेट जर्नी करो। एलोरा देखना बाकी है हमारा, जो हम देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ से दिख रहा है इस प्रॉपर्टी से एलोरा दिखाई देता है, तो दैट इज़ पेंडिंग। तो मैंने बोला फिर जाओ, फिर 1 घंटा जाना 1 घंटा वापस आना हैसल रहता, तो मैंने बोला इधर ही रुक जाते हैं एलोरा के पास, और सब कुछ देख दुखा के कल सुबह स्ट्रेट अवे हम लोग अजंता की तरफ जाएंगे, दैट्स द होल प्लान। और आप पीछे वो जो देख रहे हैं पूरी पहाड़ी जो वहाँ से वहाँ बनी हुई है, वहीं पे अपने एलोरा के केव्स हैं पूरे। वो जो सामने मैं बता रहा था वो हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ, जूम देखिए, आई होप यू कैन सी, ये यहाँ पर, ये थोड़ा और जूम करता हूँ, क्लैरिटी चली जाती है इसमें, बट फिर भी आप यू कैन मेक आउट कि वहाँ पे केव्स हैं, एलोरा केव्स। And we have also got Chandra Devta to give us company for the day. देखेंगे अगर अच्छा sky clear sky रहा तो we'll try to take some nice photos at night. और ये खड़ी हमारी गाड़ी।